हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिस देश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि इस देश के नाम के आगे द लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ के लोग सोचते थे कि द का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए वहाँ के लोगों ने द को हटा दिया। जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उस देश के लोगों को खाने और पीने दोनों का ही बहुत शौक है। अगर दोस्तों आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझिए कि यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। और इस देश की लड़कियों को दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कियां मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं यूरोप के एक सबसे खूबसूरत देश यूक्रेन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश का सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा देश से टच करती है और इसके साउथ में है ब्लैक सी। दोस्तों अगर बात की जाए यूरोप के बड़े देशों के मामले में तो ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5 करोड़ जनसंख्या है और ये जनसंख्या के मामले में 35वां सबसे बड़ा देश है। इस देश के 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। यूक्रेन देश की औसतन उम्र है 41 साल। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बन गया था और यह दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों यूक्रेन में गैस, तेल, लोहा सहित अन्य कई धातुओं का भंडार मौजूद है। राजधानी कीव की सब रोचक चीज यहाँ पर विश्व की सबसे गहराई में बनी मेट्रो लाइन है। यूक्रेन शिक्षा के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 99% आबादी शिक्षित है। WHO के मुताबिक यूक्रेन शराब खपत करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि यूक्रेन का लोकप्रिय खेल फुटबॉल और मुक्केबाजी है। यूक्रेन खूबसूरत लड़कियों का देश है। यूक्रेन को खूबसूरती का बड़ा क्रेज होता है, यही वजह है कि लोग खूबसूरती के फैक्टर को भी ध्यान रखते हैं। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन में ही रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियां इंडिपेंडेंट भी है, जहाँ उन्हें खुद की पसंद के लड़के को डेट करने और जीवन जीने की पूरी छूट मिलती है। यूक्रेन देश की आधिकारिक भाषा यूक्रेनियन है, मगर यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों को यूक्रेनियन और रूसी भाषा दोनों अच्छी तरह से आती है। यूक्रेन देश अपने यहाँ के खूबसूरत किलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देश भर में करीब 5000 किले देखने को मिलते हैं। देश का कमियानेट्स पोडोल्स्की महल यूक्रेन का आकर्षक महलों में से एक है। यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस किले के अलावा भी यूक्रेन में कई अन्य किले मौजूद हैं जो दुनिया भर में फेमस है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अंगूठी बाएं हाथ में पहनाई जाती है, मगर यूक्रेन में इसके उलट दाएं हाथ में पहनाई जाती है। ऐसे ही कई और छोटे छोटे रीति रिवाज जो यूक्रेन में अलग है। वैसे तो यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या ईसाइयों की है। ईसाई धर्म के लोग यहाँ बहुसंख्यक है और इसके अलावा यहाँ मुस्लिमों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। यूक्रेन का राष्ट्रीय पेय वोडिका कहलाता है, जिसका अर्थ उबला पानी होता है। दरअसल यहाँ के लोग शराब के सेवन को गलत नहीं मानते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी इस ड्रिंक को बेहद शौकीन और जितने दिन गुजारे शाम इसी से रंगीन होती है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।